हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे वी हैव टू डू पोलर एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इन एक्स वाई प्लेन। गॉट इट? पोलर एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन। ये हमको यस्टरडे एंड प्रीवियस लेक्चर वी हैव सीन सम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। गॉट इट? सम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेटेड सम क्वेश्चंस। नाउ दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर नंबर 2, पोलर एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। Of what is polar and Cartesian coordinate? You know very well about Cartesian system, yeah, x, y, a coordinate axis. This is the x, y, and this one x dash, and this one y dash. This one is the origin. Got it? And suppose P is the point on xy plane, कोई एक point, तो इसको हम represent करते हैं Cartesian coordinate में xy। इधर क्या होता है, here this one is the x and this one is the y, because of parallel to y, that you can say this one is y and this one is x, या ये x, बट यहां पे ये भी आ जाएगा, मतलब y, या सपोज o एंड p, o p इज अ लाइन विथ लेंथ r, ठीक है? सपोज OP इज द लाइन विथ लेंथ r, ये आपका P से परपेंडिकुलर हो गया, तो x y ये कोऑर्डिनेट हो गया, तो x y इज द कोऑर्डिनेट, है ना? एंड मेक द एंगल, OP इज द रे, है ना, विच मेक्स द एंगल फ्रॉम x एक्सिस इक्वल टू थीटा। अगर थीटा ये एंगल बना, देन वी कैन आल्सो रिप्रेजेंट पी इक्वल टू आर थीटा इन पोलर फॉर्मेट। दिस इज कॉल्ड पोलर कोऑर्डिनेट एंड दिस वन इज कॉल्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अब देखिएगा, ये दोनों पोलर और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो है, ये एक ही सेम पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंटिंग द सेम पॉइंट, दिस वन पी एक्स वाई एंड पी आर थीटा रिप्रेजेंटिंग सेम पॉइंट। दैट्स वाई रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट शुड बी देयर, होना चाहिए। जब सेम पॉइंट को पोलर कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करता है, उसी पॉइंट को कार्टेशियन फॉर्म में ये रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट मीन्स रिलेशन बिटवीन पोलर एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट शुड बी देयर, होना चाहिए और होगा। तो उसी रिलेशन को यहां पर पहले हम फाइंड करेंगे। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड एक्स वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, है ना? तो इन ओ यहां पर मान लिया, दिस वन इज द ए पॉइंट, ठीक है, ये ए पॉइंट है, दिस वन इज द पॉइंट ए, ठीक है, ए पॉइंट है। ओ ए पी इन ट्रायंगल ओ ए पी साइन थीटा इक्वल टू क्या हो, साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। गॉट इट? तो यहां पे पी ए
AP अपॉन OP, AP अपॉन OP एंड cos थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस, बेस और एडजेसेंट, बेस और एडजेसेंट, या तो बेस की बोलिए या फिर एडजेसेंट, ठीक है। तो बेस OA बाय OP, दैट मीन्स x बाय r, यहां यहां पर लिख देते हैं, ठीक है। अब यहां पे cos थीटा OA की वैल्यू कितनी है, OA की वैल्यू x एंड OP की वैल्यू r, वैल्यू ऑफ OP इज r एंड वैल्यू ऑफ AP, वैल्यू ऑफ AP इक्वल टू y एंड वैल्यू ऑफ OP इक्वल टू r, दिस वन इज sin थीटा। तो वी कैन से या वी कैन राइट y इक्वल टू r sin थीटा एंड x इक्वल टू r cos थीटा, ये होगा x इक्वल टू r cos थीटा और x y इक्वल टू r sin थीटा, x इक्वल टू r cos थीटा। यहां ये आ गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट में रिलेशन। दैट मींस मैंने बोला था रिलेशन शुड बी देयर बिकॉज बोथ कोऑर्डिनेट्स रिप्रेजेंट द सेम पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन, नाउ दैट्स व्हाई रिलेशन शुड बी देयर इन बोथ द कॉन्सेप्ट्स। तो ये रिलेशन दोनों में आया। अब इसको और अगर हम रिलेटेड करें, मॉडिफाइड करें, तो इनका स्क्वायर करके ऐड कर दो तो डिफरेंट फॉर्म ये आ जाएगा। मतलब ये तो फॉर्म ऐसा है कि इफ यू आर हैविंग पोलर कोऑर्डिनेट आर एंड थीटा, तो यू कैन कन्वर्ट इनटू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यूजिंग दिस फॉर्म एंड ये यूजिंग दिस इक्वेशंस। अब आपके पास सपोज इफ यू आर हैविंग कोऑर्डिनेट ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, देन हाउ टू गेट पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, तो उसके लिए इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। स्क्वायर करके अगर हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर, मतलब ये आ जाएगा एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या होगा एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर को कॉमन निकाल लिए तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया। तो दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, यहाँ पे बिकॉज ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, ये यहाँ पे होता है एक फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो पहला रिलेशन मिल गया हमको कौन सा, अगर आपके पास इफ वी आर हैविंग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ द सिस्टम देन वी कैन फाइंड पोलर कोऑर्डिनेट विथ दिस इक्वेशन एंड अगेन इसी इक्वेशन को अगर हम बाय इक्वेशन वन, ठीक है, यहाँ पे इसको अपन इक्वेशन वन दे देते हैं, दिस वन इक्वेशन वन, तो यहाँ पे लिख दीजिए बाय इक्वेशन वन, बाय इक्वेशन वन, तो यहाँ पे आप देखिए बाय इक्वेशन वन एंड अगेन यहाँ पे लिखिए अगेन अगेन बाय इक्वेशन वन, अगेन बाय इक्वेशन वन क्या होगा, वाई अपॉन ये हमने डिवाइड किया y अपॉन x इक्वल टू y अपॉन x इक्वल टू r sin थीटा अपॉन r cos थीटा, तो यहां पे आ जाएगा r से r कैंसिल, ये r से r कैंसिल, तो क्या होगा y अपॉन x इक्वल टू tan थीटा,
दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट आ गया। दिस वन क्या होगा, ये एक्स थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। दैट मीन्स इफ यू आर हैविंग वैल्यू ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मतलब एक्स एंड वाई, देन यू कैन फाइंड थीटा एंड वैल्यू ऑफ थीटा एंड वैल्यू ऑफ आर, दैट मीन्स पोलर कोऑर्डिनेट यूजिंग दीज टू इक्वेशन। एंड देन इफ यू आर हैविंग पोलर कोऑर्डिनेट देन यू कैन फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आप फाइंड कर सकते हैं इस विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन वन। और ये इस इक्वेशन के थ्रू हम पोलर कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं अगर हमारे पास वैल्यू है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अब हम इसमें कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो जनरली इस पे क्वेश्चन जो रेज होते हैं या क्वेश्चंस आते हैं उसमें से हम लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो भी होगा। फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट व्हेन पोलर कोऑर्डिनेट इज दिस वन, मतलब आपको क्या करना है, फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है ना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट पी ऑफ अ पॉइंट पी एक्स वाई व्हेन पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ पी आर थीटा इज गिवन बाय मतलब गिवन बाय किससे दिया है, ये कौन सा दिया है, 390 ठीक है। अब इसको आप देखिए अपन सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्यूशन देखिएगा। फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, आपको क्वेश्चन आएगा फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट व्हेन पोलर कोऑर्डिनेट इज गिवन बाय दिस वन। मैंने यहां एक्स का ये ऐड कर दिया है, पी आर थीटा अगर दिया है तो हमको ये फाइंड करना। तो हमें अब क्वेश्चन जब स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना तो जो दिया हुआ है उसको हम लिख लेंगे। तो यहां पे लिखेंगे गिवन, ठीक है, गिवन 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 पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट पी आर थीटा इज 390। दैट मीन्स आर इक्वल टू 3 एंड थीटा इक्वल टू 90। गॉट इट, ये दिया हुआ है, इसको हम इक्वेशन वन देते हैं। जो दिया हुआ है उसको हमने इक्वेशन वन लिख दिया। तो गिवन पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट पी आर थीटा इज 390। दैट मीन्स दैट इज आर इक्वल टू 3 एंड थीटा इक्वल टू 90। नाउ वी हैव टू फाइंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मतलब इसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्यों दिया हुआ है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो हमको फाइंड करना है पी ऑफ एक्स कॉमा वाई, ये हमको फाइंड करना है, ठीक है।
अब पी एक्स वाई फाइंड करना है और ये दिया हुआ है, तो यहां लिखेंगे वी नोट है वी नोट है। अब देखिए हमको इसके बीच में हमने रिलेशन आपको बताया पहले क्या होता है, कौन सा हमको आर और थीटा दिया है और एक्स और वाई फाइंड करना है, तो वी हैव टू यूज इक्वेशन वन, इस इक्वेशन का यूज होगा बिकॉज ऑफ वी हैव टू फाइंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, गॉट इट। तो यहां पे आप ये ध्यान रखिएगा और उसी में ठीक है ये ध्यान रखेंगे अपन, वी नो दैट y इक्वल टू y इक्वल टू या x इक्वल टू लिखते हैं, x इक्वल टू r cos थीटा एंड y इक्वल टू r sin थीटा, ठीक है। यहां पे इसको हम इक्वेशन क्या दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 2। अब बाय इक्वेशन 1 एंड 2 by equation 1 and 2 we get, हमको इसको find करना we get, ठीक है। तो 1 and 2 से क्या मिलेगा, r और theta की value यहां put कर दीजिए, तो x equal to क्या आएगा 3 cos 90 degree है ना, फिर theta equal to 90 and y equal to 3 sin 90 degree, ठीक है। यहां पे ये 90 हो गया, तो x equal to cos 90 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है, एंड y equal to 3 into sin 90 की वैल्यू 1, तो यहां पे आप लिख दीजिए sin pi by 2 equal to 1 एंड cos pi by 2 equal to 0, got it, x equal to 3 x equal to 0 and y equal to 3, this is the therefore p 0 3 is the required कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ गिवन पॉइंट, ठीक है, रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट गिवन पॉइंट, ये होता है आपका प्रॉपर वे प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। दैट मींस गिवन इज पोलर कोऑर्डिनेट एंड फाइंडिंग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, तो ये सिंपल प्रॉब्लम है और ऐसी प्रॉब्लम आते हैं और 2 मार्क्स के आएंगे इसमें से, ठीक है, तो इसको आप कर लीजिएगा। अब सेकंड क्वेश्चन है, गिवन रहेगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड वी हैव टू फाइंड पोलर कोऑर्डिनेट, अब देखिए उसको कैसा करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन लिख लेते हैं, फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट, फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी आर थीटा व्हेन या वेयर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट्स where Cartesian coordinates of P x y is कितने से दिया है, Cartesian coordinate
अगर दिया रहेगा तो पार्टीशन कोऑर्डिनेट दिया है इसमें 5 5 5 5, ये आपके 2.2 का क्वेश्चन नंबर 13 और 14 है. दिस वन इज द 13 और दिस वन इज द 14. एक्सरसाइज 2.2 आपकी टेक्स्ट बुक का याद रखिएगा, ठीक है, 2.2 है ना उसका क्वेश्चन नंबर 13. फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट पी आर थीटा, ठीक है, वेयर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ पी एक्स वाई इज दिस वन. सॉल्यूशन से हमको फाइंड करना. अब हम सिंपल लिख देंगे, गिवन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, क्योंकि जो दिया हुआ है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिया है ना. नाउ वी हैव टू फाइंड पोलर कोऑर्डिनेट, और यहां पे पोलर कोऑर्डिनेट दिया था, वी हैव टू फाइंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, याद रखिए. तो यहां पर गिवन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी एक्स वाई इज 5.1, दैट इज हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 5. ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, जो दिया हुआ है हम उसको लिख दिए. नाउ वी हैव टू फाइंड, हमको क्या फाइंड करना है, पोलर कोऑर्डिनेट. नाउ वी हैव टू फाइंड पोलर कोऑर्डिनेट ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ पी आर थीटा, ठीक है, ये हमको फाइंड करना. अब वी नो दैट कर देते हैं. अब हमको यूज क्या करना, दिया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, अब हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा, पहला तो उसमें यूज हुआ था, अब देख लीजिए ज्यादा यूज होगा, दिस वन एंड दिस वन. हमको आर थीटा की वैल्यू फाइंड करना है, तो थीटा की वैल्यू इससे मिलेगी और आर की वैल्यू इससे मिलेगी. तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा वी नो दैट, क्योंकि हम जो जानते हैं उसको तो लिखना पड़ेगा. वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट क्या है, एक्स आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स y upon x, ठीक है, इसको आप इक्वेशन दे दीजिए 3, ठीक है, इसको इक्वेशन दे दो 3 और इसको इक्वेशन दे दो 4, ये 2 दे दो और 3 दे दो, तो 1 था ये 2 है और ये 3, ठीक है. अब यहाँ पे इक्वेशन हो गया, हमने ये क्या लिखा, इसका यूज कर रहा ना इसमें. तो अब आप देखिए इसमें सिंपल कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज कर रहे हैं, इसमें ये आपको क्लियर है, मैं इधर कर दे रहा हूं इसका. तो वहां पे देखिए बाय इक्वेशन वन एंड टू वी गेट क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा, 25 प्लस 25 इक्वल टू 50, या 2 × 25 लिख सकते हैं इसको, क्यों लिख रहा है वो भी मैं बताऊंगा. 2 × 25 है तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इक्वल टू 5√2, r इक्वल टू 5√2, एक्चुअली स्क्वायर अटैक है, प्लस माइनस आएगा, माइनस में कभी रेडियस होगा नहीं, ठीक है,
दैट मीन्स देयरफॉर आर इक्वल टू प्लस फाइव रूट टू, ये आ गया एक अपना कॉन्सेप्ट। एंड अगेन अगेन बाय इक्वेशन वन एंड थ्री, वन एंड थ्री से क्या आएगा, ये थ्री इक्वेशन है ना, थर्ड इक्वेशन है ये, ठीक है, इससे क्या आएगा थीटा इक्वल टू, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स y अपॉन x, ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी है फाइव, यहाँ पे x की वैल्यू फाइव थी और यहाँ y की वैल्यू फाइव थी, ठीक है, तो यहाँ पे फाइव अपॉन फाइव दोनों की वैल्यू यही है, तो क्या आ जाएगा थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वन, वन को क्या लिख सकते हैं हम टेन इनवर्स टेन फाइव बाय फोर, ठीक है, वन की वैल्यू फाइव बाय फोर होती है ना, टेन टेन फाइव बाय फोर को वन तो लिखते हैं हम, तो टेन फाइव बाय फोर यहाँ पे आप लिख दीजिए अगर ये नहीं आता तो टेन फाइव बाय फोर इक्वल टू वन, इसलिए हमने पहले किया। अब यहाँ पे आप देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा थीटा इक्वल टू फाइव बाय फोर, और फाइव बाय फोर को क्या लिखते हैं 45 भी लिखते हैं 45 डिग्री। तो यहाँ पे आप देखिएगा जो हमारे वैल्यूज आएंगे आर की वैल्यू ये फाइव इंट टू एंड दिस वन, तो विच इज द रिक्वायर्ड वैल्यू है ना, विच इज रिक्वायर्ड वैल्यू, विच इज रिक्वायर्ड वैल्यू, यहां पर आपका इतना होता है डी इक्वल टू फाइव बाय फोर और 45, ठीक है, और आर इक्वल टू फाइव रूट टू। तो आप देखिएगा कि क्वेश्चन करने का पहले हमारे पास कोऑर्डिनेट कौन सा था, सिंपल था पोलर कोऑर्डिनेट, तो हमने कार्टेशियन फाइंड किया, और सेकंड में कार्टेशियन है तो पोलर फाइंड किया है, इसी में से एक एग्जांपल मतलब इसी टाइप का एक एग्जांपल आपको बोर्ड में इंट्रोड्यूस होगा, गॉट इट। तो अब हम इसके और जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्वेश्चन नंबर 14 में आप उसको कर लीजिएगा, सिमिलर वे में होंगे और इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट दूसरा नहीं लगेगा। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था इसी यूनिट का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वन का या ट्रिग्नोमेट्री वन का, वो हम वन टू प्रॉब्लम्स उसके ले लेते हैं। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा पोलर कोऑर्डिनेट कार्टेशियन, कार्टेशियन टू पोलर, गॉट इट। तो इसको अब हम इसको पॉज करके लिख लीजिएगा, इसको रफ कर दे रहे हैं, ठीक है। अब हमको एक वन और टू प्रॉब्लम्स इसके ट्रिग्नोमेट्रिक के और ले लेते हैं जिसका आपको यूज होगा, इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है। इसमें देखिएगा यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉब्लम है, क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज का है, एक्सरसाइज में दिया हुआ है और इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम ले रहे हैं। एक है वन माइनस प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, मतलब प्रूव करना है, प्रूव दैट, ये इससे प्रीवियस टॉपिक का प्रॉब्लम है पर इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है इस टाइप का, तो आप कर लीजिएगा। प्रूव दैट वन माइनस sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा डिवाइड बाय वन प्लस sec थीटा माइनस tan थीटा,
इक्वल टू sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस वन डिवाइड बाय sec थीटा प्लस tan थीटा tan थीटा प्लस वन। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो जनरली आता है। तो आपने एक कंपोनेंट और डिवाइडेंड रूल पढ़ा होगा, ठीक है, कंपोनेंट और डिवाइडेंड रूल का यूज होगा। तो इसमें जब हम उसका यूज करेंगे तो पहले हमको लिखना पड़ेगा वी नो दैट बाय आइडेंटिटी, है ना। फिर हम उसका यहां पे आप देखिएगा वी नो दैट, इसमें हम सिंपल कॉन्सेप्ट वो कर दे रहे हैं, वी नो दैट एक देखने को बहुत टफ दिख रहा है पर बहुत सिंपल प्रॉब्लम है और इसी टाइप के प्रॉब्लम आते हैं। एक बार बस आपके सामने हो जाए तो आप उसको कंटिन्यू यू कैन डू योरसेल्फ आफ्टर सम टाइम, है ना। तो यहां पर आ जाएगा वी नो दैट बाय आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या आ जाएगा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ये आपको मालूम है ये आइडेंटिटी होती है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, वन इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा ये लिख सकते हैं, और sec स्क्वायर थीटा या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, या फिर आपको एक ये भी मालूम होगा इसका कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को a माइनस b a प्लस b, यहाँ पर आ जाएगा sec थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है, और sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू वन, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ ये वाला फॉर्मूला आपको लगा ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए माइनस बी ए प्लस बी। यहाँ पर आप इसको हम क्या ले लेते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू वन अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है, इसको हम वन भी लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक रूल आपने पढ़ा होगा बाय कंपोनेंटो एंड डिवाइड डिवाइडेंड रूल, ये होता है पी अपॉन क्यू एंड आर अपॉन एस होता है। तो इसका होता है क्यू माइनस पी, ठीक है, क्यू माइनस पी और क्यू प्लस पी एस माइनस आर, ठीक है, एस प्लस आर, ये रहेगा यहाँ पर, ठीक है। ये होता है इस कॉन्सेप्ट को ये रूल के थ्रू कंपोनेंट और डिवाइडेंड रूल के थ्रू ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है। अगर इसको ऊपर लिख दीजिए समझ में नहीं आ रहा है तो p अपॉन q इक्वल टू r अपॉन s, अगर ये है तो इसमें कंपोनेंट और डिवाइडेंड रूल बन के ये कॉन्सेप्ट बनता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो वही रूल हम यहां लगाएंगे बाय डिवाइडेंड रूल, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा,
वन नीचे डिनोमिनेटर में, जो डिनोमिनेटर में रहता है वो पहले आ जाएगा, वन माइनस, ठीक है, और ऊपर कह दिया जाएगा sec थीटा प्लस, या इसको आप माइनस में कर दीजिए, माइनस tan थीटा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड बाय वन प्लस, इसी का प्लस में आएगा sec थीटा माइनस tan थीटा, ये आ गया इक्वल टू। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में वो पहले आ जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस वन, फिर sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस वन। देखिए जो डिनोमिनेटर में रहता है वो आ जाता है, फिर उसके साथ न्यूमरेटर माइनस होता है, फिर डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर का प्लस होता है। यहाँ पे वही हुआ है ना, डिनोमिनेटर में q है तो q आया, न्यूमरेटर में p है तो माइनस के साथ p आया, फिर वही कॉन्सेप्ट नीचे प्लस के साथ आ जाएगा, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगेगा, यही होता है कंपोनेंट ऑफ डिवाइडर। तो यहाँ पर आप देखिएगा, अब इसको और सॉल्व करें हम, तो वन माइनस, ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, sec थीटा प्लस tan थीटा डिवाइड बाय वन प्लस sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस वन एंड sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस वन। अब आप देखिए जो प्रूफ करना तो वही है क्या, ठीक है, ये है, ये प्रूफ करना था हमको, तो यहाँ पे आएगा हेंस रूट। बस एक चीज पर ध्यान रहे यहाँ पे कि कंपोनेंट और डिवाइडर रूल होता क्या है वो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, कि जो भी डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर के साथ पहले माइनस के साथ न्यूमरेटर का कॉम्बिनेशन आता है, और फिर प्लस के साथ न्यूमरेटर का कॉम्बिनेशन आएगा दोनों का, फिर इसमें भी सेम वही कॉन्सेप्ट लगेगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तो ध्यान रखिएगा ये रूल काफी इंपॉर्टेंट है और लगता है, तो इस ये रूल एक्चुअली पिछले लास्ट लेक्चर में ही मुझे क्लियर करना था, बट मैं एक एग्जांपल लेके जब देखा क्वेश्चन पेपर में इस टाइप का प्रॉब्लम आया है तो आपको ये मैंने करा दिया। तो ये समझ में आ गया पूरा कि होता कैसा है, तो ऐसे ही प्रॉब्लम्स आप इसमें कर लीजिएगा, अब ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, ठीक है।